नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीके गुरुजी स्टडी पॉइंट में। आज की शॉर्ट हैंड की डिक्टेशन की स्पीड होगी 60 वर्ड प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, हिंदी, पर, अधिकार, पाना, दक्षिण, जनता के लिए एक भौगोलिक आवश्यकता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर ने कहा कि हिंदी की उप पाठ्य पुस्तकों में प्रांतीय संस्कृतियों के अंशों का इस प्रकार समावेश करें कि हिंदी की प्रकृति में हस्तक्षेप ना हो। केरल हिंदी प्रचार सभा के मंत्री एवं अखिल भारतीय हिंदी संस्थान संघ के सचिव के कुशल निदेशकत्व में कार्यशाला अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। बायोमास को कोयले में बदलने की साधारण तकनीक है। पायोलाइजर योजनाकारों ने इस दशक के शुरू में यह भविष्यवाणी की थी कि देश में खाने के लिए पर्याप्त अनाज तो होगा, परंतु आने वाले समय में शायद उस अनाज को पकाने के लिए ईंधन ना होना। जिस प्रकार गांव में ईंधन की कमी होती जा रही है, उससे तो यह भविष्यवाणी सार्थक होती दिखाई दे रही है। पैराग्राफ। यह हमेशा होता है कि आदमी अभाव और परेशानियों के तत्काल और तुरंत हल ढूंढने में लगे रहते हैं। इसका परिणाम होता है कि जिस पीढ़ी ने हल खोजा है, वह उन्हीं की समस्याएं हल करता है और आने वाली पीढ़ी पुनः नई समस्याओं और उनके हल में उलझ कर रह जाती है। ईंधन की कमी का भी यही हाल है। इस समस्या के लिए भी फिलहाल वाला हल ढूंढा गया। बाहर से गैस या कोयला मंगवाकर इस समस्या का हल खोजा गया। समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए जो स्थायी हो। उनके लिए तकनीक ढूंढी जाए। वह वर्तमान पीढ़ी परिष्कृत करें, इस तरह विकसित करें कि इससे आमदनी भी हो और स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। ईंधन की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित
गांव है वहां तो जल्दी से वैकल्पिक साधन भी नहीं मिल पाते। आवश्यकता है गांव के परिवेश में ही वैकल्पिक साधनों की खोज की जाए। गांव की समस्या का हल गांव में ही खोजा जाए। फुलस्टॉप। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करिए। धन्यवाद।